राधे राधे फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ किचन क्लीनिंग का रूटीन। डेली मॉर्निंग में किचन कैसे मैं साफ़ करती हूँ, तो मेरे पास दो दो किचन की जिम्मेदारियाँ है, ये देखिए। क्योंकि आपको पता होगा कि गांव में अभी भी किसी किसी के घर पे चूल्हा वगैरह रहता है, और ये देखिए हमारा आंगन है। तो आंगन में हमारे कटहल का पेड़ है, जामुन का भी पेड़ है, ये आप देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है अगर साफ़ सफाई कर दो तो, क्योंकि इधर धूप भी ठंड में बहुत अच्छी आती है, और सुबह सुबह बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो फटाफट से ये मैं कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना आंगन का चूल्हा जो होता है उसकी साफ़ सफाई और आंगन की साफ़ सफाई करती हूँ। तो एक तरफ से ये भी मेरा किचन ही है, क्योंकि जहाँ पे भी खाना बनता है वो किचन ही होता है। तो मेरे चैनल पे आप देखेंगे तो मैं कभी कभी चूल्हे पे भी खाना बना के और अपलोड करती हूँ वीडियो, और मैं अपने किचन में भी जो गैस चूल्हा होता है उस पर भी बनाती हूँ। तो जो एनर्जी है वो रखनी चाहिए, इससे क्या होता है कि काम भी जल्दी हो जाती है और अच्छा भी लगता है। तो फ्रेंड्स, कभी भी कुछ करने की अगर चाह हो तो एनर्जी अपने आप ही आ जाती है। ऐसा कोई चीज़ नहीं होता है जिसको खाने से या पीने से एनर्जी आ जाए। मन की एनर्जी ही सबसे बड़ी एनर्जी होती है। तो इससे क्या होता है कि हमारा काम भी फटाफट से हो जाता है, और वीडियो अपलोड करने के चक्कर में एक लगन सी रहती है मन में कि हमें ये काम जल्दी से करना है। क्योंकि डेली सोचना होता है कि वीडियो कौन सा बनाए, आज कौन सा वीडियो बना के अपलोड करें। तो गांव में लोग मानते हैं कि चूल्हे पे खाना जो बनता है वो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, टेस्टी होता है। तो चूल्हे पे हमारे अक्सर खाना ही बनता रहता है, और बच्चे जब स्कूल से आते हैं ना तो इधर ही खेलते भी हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए बच्चों ने साइकिल की क्या हालत किया हुआ है, तोड़ फोड़ दिया है और इसको फैला दिया है। तो मैं इसको डेली ही साइड में करती हूँ और दोनों फैला के चले जाते हैं। तो ये देखिए इसको हम साइड में करेंगे, और जितने भी पत्ते हैं हम चारों तरफ से अच्छे से साफ़ कर लेंगे। तो पत्ते साफ़ करने के बाद बहुत ही इधर सुकून मिलता है, अच्छा लगता है, मन करता है इधर ही बैठूँ। तो जितने भी मेरे कपड़े वपड़े जो भी धुलना होता है सारी चीज़ें मैं इधर ही धुलती हूँ। तो मैं बातों बातों में आपसे बहुत कुछ शेयर भी कर चुकी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए धीरे धीरे हमारे झाड़ू भी लग चुका है, थोड़ा सा बच गया है। फिर मैं आपको आंगन दिखाती हूँ और चूल्हे को हम लोग कैसे साफ़ करते हैं वो भी दिखाती हूँ। तो गांव के लोगों को तो ये सब पता ही होता है, खैर शहर में लोगों को भी पता रहता है, लेकिन जो गाँव के लोग होते हैं ना वो थोड़ा सा अलग लाइफ स्टाइल जीते हैं। तो सबसे पहले हम चूल्हे को साफ़ करेंगे, उसके बाद आपको आंगन दिखाएंगे। तो ये देखिए हमने इसका राख निकाल लिया चूल्हे का, तो जितने भी राख होते हैं वो हम निकाल लेंगे और इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे इस तरीके से। तो ये देखिए इसको हम अच्छे से लिप लेंगे, मतलब लेप लगाएंगे। तो ये देखिए हमने एक यहाँ पे कपड़ा लिया है, इसे हमने गीला कर लिया है मिट्टी लगा के, और इससे हम अच्छे से ये देखिए लेप लगाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा दिखता है इस तरीके से, और क्लीन भी हो जाता है। तो चूल्हे को हमने अच्छे से लेप लिया है। तो फ्रेंड्स, जो घर के अंदर किचन है उसको भी मैं दिखाऊंगी कि मैं सुबह में कैसे साफ़ करती हूँ। मैं ये देखिए इधर कपड़ा रख दूंगी जिससे मैं चूल्हे को लेपती हूँ, फिर जब बाद में काम लगेगा तो यूज करूँगी। और हाथ पैर इधर ही मैं धुल लूँगी, इधर पानी का भी सुविधा है, इधर सब कुछ सुविधा है, अच्छा भी लगता है। और ये देखिए अब इसे हम बोरी से ढक देंगे ताकि ये गंदा ना हो, पत्ते वगैरह इसमें चले जाते हैं। तो ये देखिए आंगन हमारा बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो गया है, और जब फ्रेंड्स इसमें धूप आता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये जो पत्ते दिख रहे हैं ना, इसे हम दोपहर में जला देते हैं, और जब राख इकट्ठा होता है तो खेतों में चला जाता है। तो ये देखिए बिल्कुल कोने कोने मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। तो मैं इसको अपना किचन ही मानती हूँ, भले ही ये मेरा आंगन है लेकिन इधर मैं अपना खाना वगैरह सब कुछ बनाती हूँ, और ठंड में बहुत ही इधर अच्छा लगता है। एक साइड तो धूप नहीं आती है, इधर धूप नहीं आती, आप देख सकते हैं नमी के कारण इधर थोड़ा सा काई लग गई है। और ये देखिए मैंने पालक लगाया है बाल्टी में, और इधर देखिए ये पानी का यहाँ पे नल भी है, यानी कि टंकी है। तो ये देखिए पत्ते हम दोपहर में जलाएंगे, क्योंकि अभी इधर गीला है तो ये जलेगा नहीं। अब ये देखिए आंगन हमारा अच्छे से क्लीन हो गया। तो आपको अब चलती हूँ मैं लेके अपने किचन में। तो मैं आ गई हूँ अपने किचन में, और इधर देखिए इधर भी फैला पड़ा है। तो सुबह सुबह जब बच्चे जाते हैं स्कूल तो उनके लिए टिफ़िन वगैरह मैं किचन में ही ज़्यादातर बनाती हूँ, क्योंकि चूल्हे पे थोड़ा टाइम लगता है सारे चीज़ों को इकट्ठा करो फिर जलाओ। तो
तो मैं इसी को ज़्यादा यूज करती हूँ। और चूल्हे पे भी बनता है कभी कभी, खाना वगैरह तो अधिकांश ही बनता है लेकिन टिफ़िन नहीं बनता है। तो ये देखिए सारा फैला पड़ा है, सुबह का नाश्ता और जो टिफ़िन का जो हमने बच्चों के लिए बनाया था सब्जी वगैरह। तो ये देखिए अब हम क्या करेंगे कि जितने भी बर्तन हैं उसमें से जितने भी थोड़े बहुत इसमें जूठ पड़ा हुआ है वो सारे ही एक बर्तन में इकट्ठा करेंगे। इससे क्या होता है कि बर्तन को साफ़ करने में टाइम भी नहीं लगता है और जो पानी है वो भी कम यूज होता है। बहुत ही अच्छा तरीका है फ्रेंड्स। तो मैं क्या करती हूँ कि जितने भी बर्तन हैं उसको मैं ये जो रेक होता है किचन का उस पर पहले रख लेती हूँ और थोड़ा सा बर्तन में जो वाशबेसन होता है उसमें डालती हूँ। बहुत ज़्यादा बर्तन में इकट्ठा नहीं करती, थोड़ा थोड़ा लेके धुलती हूँ। सुबह सुबह क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी होती है और बच्चों को जाना रहता है स्कूल। मेरे बच्चों का जो स्कूल है वो थोड़ा दूर पे है तो गाड़ी थोड़ी पहले ही आ जाती है तो थोड़ा जल्दी काम करना पड़ता है। तो मैं थोड़ा जल्दी उठती हूँ और काम भी जल्दी हो जाता है क्योंकि घर में और भी बहुत सारे काम होता है, सिर्फ किचन ही नहीं होता है। तो ये देखिए सारे बर्तन को हम फटाफट से अच्छे से क्लीन कर लेंगे। तो मैं बड़ी यूट्यूबर तो नहीं हूँ कि मुझे कोई रिक्वेस्ट करे कि ये वीडियो डालिए या फिर कुछ भी, लेकिन एक व्यूवर्स ने मुझे बोला था कि मैम आप किचन का जो मॉर्निंग रूटीन होता है क्लीनिंग का वो डालिए। तो मैंने उन्हीं के कहने पे ये वीडियो बनाया हुआ है, शायद कभी डालती भी लेकिन मेरे मन में ये नहीं था, लेकिन उन्हीं के कहने पे मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। तो इस तरीके से आइडिया भी मिल जाता है कि हम अपना कुछ भी शेयर कर सकते हैं कि हाँ हम कैसे घर में किचन को साफ़ करते हैं या फिर कोई भी काम करते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं वीडियो बना के डाल दूँ, उन्होंने बोला है तो उनकी रिक्वेस्ट भी पूरी हो जाएगी और मैं अपना वीडियो भी बना के डाल दूँगी। तो एक छोटे यूट्यूबर को अगर इस तरीके से रिक्वेस्ट आता है तो बहुत अच्छा लगता है कि चलो कोई रिक्वेस्ट कर रहा है हमसे तो हम उनकी बातों को माने और वीडियो बनाएं। तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी बनाने की, क्योंकि इस तरीके से आइडिया भी मिल जाएगा और आप जो चाहेंगे वो मैं वीडियो भी बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारी बातों बातों में ही बर्तन जो है वो धुल चुकी है, देख सकते हैं आप। तो बहुत ही एनर्जी के साथ हमें काम करना होता है सुबह सुबह में, क्योंकि हमें वीडियो अपलोड करना रहता है और भी घर का काम होता है तो सोचते हैं जल्दी जल्दी कर लें। तो बस फटाफट से जो बर्तन है उसको हम साफ़ कर लेंगे और ये देखिए जो स्क्रबर होता है उसे भी हम साफ़ कर लेंगे क्योंकि इसमें जूठा वगैरह चला जाता है। अब जो ये यहाँ पे रेक है किचन का उसको हम हल्का सा इस तरीके से साफ़ कर लेंगे कपड़े से, ताकि जितने भी बर्तन हैं उस पर हम धुल के रख सकें और इसका जब पानी अच्छे से निकल जाएगा तब हम बर्तन स्टैंड में इसको रखेंगे। तो सारे बर्तन धुल चुके हैं और इसका पानी भी अच्छे से निकल गया है तो इसको हम स्टैंड पे रख देंगे। ये देखिए तो मैं बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग आपको नहीं दिखाऊंगी, जिस तरीके से मैं डेली किचन को साफ़ करती हूँ क्लीन करती हूँ वही मैं आपको दिखाऊंगी। अगर आपका मन होगा तो मैं, अगर कमेंट करेंगे आप तो मैं आपके कहने पर डीप क्लीनिंग का वीडियो बना दूँगी, जो किचन का डीप क्लीनिंग होता है वो करके दिखाऊँगी आपको। तो बहुत ही नॉर्मल सा हमारा किचन है, आप तो जानते ही है कि गांव में किचन कैसा होता है, बहुत ही नॉर्मल किचन है। और ये देखिए जो गैस चूल्हा होता है उसकी हालत क्या हुई है, चाय गिर गया है इस पर। तो हमें एक गीला कपड़ा और एक सूखा कपड़ा चाहिए, ये मैं रखती हूँ किचन में। तो इस तरीके से पहले गीले कपड़े से साफ कर लेंगे गैस को। तो डेली मैं सबसे पहले किचन में जब सफाई करती हूँ तो बर्तन को ही धुलती हूँ, इससे जो काम होता है वो हल्का हो जाता है और किचन जल्दी से साफ भी हो जाता है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे एक स्क्रब लिया है और इसकी हेल्प से हम जो गैस चूल्हा होता है उसे साफ़ कर लेंगे। तो लोहे वाला स्क्रब से आप कभी भी ना साफ करें क्योंकि इस पर स्क्रैच पड़ जाती है। ये बहुत पुरानी गैस चूल्हा है लेकिन आपको दिख रहा होगा कि ये नया है, तो ये बहुत पुराना है लेकिन मैं इसको बहुत ही अच्छे से साफ़ करती रहती हूँ जिससे ये अच्छा दिखता है। तो जितने भी टाइल्स पे छींटे वगैरह पड़े रहते हैं वो सब साफ़ कर लेंगे इसी तरीके से, और जो रेक होता है उस पर भी हल्का हल्का स्क्रब से ये देखिए सफाई कर लेंगे, जिसकी वजह से जो नीचे कुछ तेल वगैरह या फिर मसाले वगैरह गिरा रहता है वो सब साफ़ हो जाएगा। तो टाइल्स जो होता है उसे भी हम स्क्रब से रगड़ेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है, जितने भी तेल वगैरह होता है और जो रेक होता है उसको भी। तो अब देखिए हम एक कपड़ा ले लेंगे, वही कपड़ा और गीला कर लेंगे। मैंने यहाँ पे पानी लिया है, किसी भी बर्तन में आप पानी ले लीजिए। और फटाफट से हम क्या करेंगे कि जो टाइल्स होता है उसे सबसे पहले क्लीन कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से
तो पानी जो है वो गंदा हो चुका है, तो मैं यहाँ पे दूसरा पानी रख लूँगी। और ये देखिए फिर से कपड़े को इसमें अच्छे से वॉश करके निचोड़ लेना है और फिर से गैस पे एक बार चला देना है, मतलब पोंछ लेना है, तो ये अच्छे से क्लीन हो जाएगा। और बाद में इसे मैं सूखे तावल से पोछूंगी जिससे इस पर दाग वगैरह का निशान नहीं रहेगा, क्योंकि जब हम गीले कपड़े से पोछते हैं तो इस पर दाग सा पड़ जाता है, अच्छा नहीं दिखता है। तो एक सूखे कपड़े से आप ज़रूर पोछें। तो ये देखिए नीचे भी अच्छे से साफ कर लेंगे गैस चूल्हे के, तो हमारा जो टाइल्स है वो भी अच्छे से साफ़ हो चुका है। और मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी पूरी किचन ये कितनी अच्छी साफ़ हुई है। तो इधर भी थोड़ा बहुत बच गया था उसे भी साफ़ करेंगे और टाइल्स को भी साफ़ कर लेंगे जहाँ पे हमने बर्तन धुला था। तो अब ले लूँगी मैं यहाँ पे थोड़ा सा आटा, बहुत थोड़ा सा लेना है, और इसको डाल के जब आप साफ़ करेंगे वॉश बेसन तो इसकी जो चिकनाई होती है वो अच्छे से साफ़ हो जाता है। आप चाहें तो कोई डिश वॉश भी डाल के साफ़ कर सकते हैं या फिर सर्फ वगैरह, लेकिन आटे से क्लीन हो जाता है बहुत अच्छे से। तो इस तरीके से कपड़े से हम पोंछ लेंगे तो ये क्लीन हो जाएगा, देख सकते हैं आप कितना अच्छा क्लीन हो गया है। और जो कोने में ब्लैक दिख रहा है वो उसका कलर चला गया है, गंदा नहीं है। तो ये देखिए हम सूखे कपड़े से भी पोछ लेंगे गैस चूल्हे को जिससे इस पे दाग ना पड़े। तो ये देखिए साइड साइड्स में हमने पोछ लिया है, बहुत ही अच्छे से क्लीन हो गया है। तो इधर का तो हमारा साफ सफाई हो चुका है लगभग, अब दूसरे साइड का भी हम सफाई करेंगे। तो ये सारी चीज़ों को हम लगा लेंगे, हमने इसे भी धुल लिया था। तो ये देखिए प्लेट्स भी लगा देंगे। तो इधर की साफ़ सफाई हो गई, अब दूसरे साइड भी साफ़ कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने किचन में ना एक सूज स्टैंड रखा है, क्योंकि ये यूज नहीं होता है, तो इसी मैंने साफ़ कर लिया था। और इसी पे मैं डब्बे वगैरह रखती हूँ, क्योंकि बहुत छोटा किचन है तो जगह नहीं है इसमें ज़्यादा, तो ये पड़ा था वैसे ही, तो मैंने इसी को यूज कर लिया है। तो हल्का फुल्का जो डब्बा होता है ना इधर उधर हो जाता है, क्योंकि हम जब सुबह में काम करते हैं नाश्ता वगैरह या टिफ़िन बनाते हैं तो कुछ ना कुछ हमें चाहिए होता है। तो जितने भी डब्बे हैं मैं, मतलब पूरे डब्बे तो नहीं, हल्का फुल्का जो आगे का डब्बा इधर उधर हुआ है उसको ही अच्छे से क्लीन करके रख दूँगी, क्योंकि मैं पूरा डीप क्लीनिंग का नहीं दिखा रही हूँ आपको प्रोसीजर। तो यहाँ पर देखिए हल्का फुल्का जितने भी आगे गंदगी दिख रही है सब साफ़ कर लेंगे। और अब ये भी हमारा साफ़ हो गया है, अब मैं रेक को साफ़ करूँगी और इधर जो टाइल्स है उसे भी हम हल्का फुल्का पोंछ देंगे। तो अब हम अपने रेक को भी साफ़ कर लेंगे। यहाँ पे मैंने लहसुन अंडा सारा कुछ रख रखा है, और ये है चावल का और आटे का डब्बा, तो इसे भी हल्का सा हम पोंछ लेंगे, क्योंकि आटा वगैरह गिरा रहता है अच्छा नहीं दिखता है। तो हल्का सा कपड़ा घुमा देंगे, बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं करना है। और ये देखिए ये जो बचा है रोटी वगैरह जो भी है सब्जी वो हटा दूँगी मैं, और नीचे भी रेक वगैरह जो है उसको पोंछ लूँगी, थोड़ा बहुत गंदा है, ज़्यादा गंदा नहीं है। तो इधर का जो अंडा का ट्रे है वो भी हटा के हल्का सा जो गंदा पड़ा है नीचे उसे भी हम साफ़ कर लेंगे, हल्का सा ये साइड में भी साफ़ कर लेंगे। ये मैं इधर एक टोकरी रखी हूँ लंबी वाली, जिसमें मैं कुछ कुछ रखती हूँ मसाले वगैरह। तो ये देखिए ये रेक साफ़ हो गया, अब दूसरा रेक साफ़ करेंगे। तो ऊपर और भी रेक है तो उस पर मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए इस पर भी मैं कुछ कुछ रखती हूँ डब्बे में। तो इस रेक पे जो हमें नहीं रखना है वो मैं हटा दूंगी, ये घी का डब्बा था मैंने साइड में हटा दिया है। अब जो हमने यहाँ पे लिया है ये है, इसमें मैं तेल वगैरह रखती हूँ खाना बनाने के लिए, तो उसको भी पोंछ लेंगे, रेक को भी पोंछ लेंगे। और हल्का फुल्का जो डब्बे पड़े हैं उसको भी हल्का हल्का पोंछ लेंगे, ज़्यादा गंदा नहीं है। और ये देखिए ये रेक भी लगभग हमारा साफ़ हो गया है। और इधर हमारा मिक्सर पड़ा हुआ है ये देखिए, तो ये वाइट कलर का है, इसे भी मैं हल्का फुल्का पोंछ ही लेती हूँ, क्योंकि इसमें हल्दी वगैरह या कुछ कुछ लग जाता है जब मसाले पीसते हैं हम। तो ये देखिए मैं इसको कवर करने के लिए एक कपड़ा रखती हूँ और इस तरीके से मैं बांध देती हूँ, क्योंकि ये वाइट कलर का है तो बहुत ज़्यादा जल्दी गंदा हो जाता है। और ये भी काफ़ी पुराना है, लेकिन चीज़ों को अच्छे से अगर रखें तो काफ़ी दिन अच्छा दिखता है। तो ये देखिए ऊपर भी एक रेक था, लेकिन इसकी सफाई मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी, बहुत ऊपर है और डेली इतना नहीं हो पाता है। तो अब बारी है नीचे साफ़ सफाई करने की, तो यहाँ पे झाड़ू लगा लेंगे नीचे, तो बहुत ज़्यादा नीचे गंदगी नहीं रहती है। ये जो आपको साइड में प्लास्टिक दिख रही है ना, मैं क्या करती हूँ सुबह में सब्जी वगैरह काटती हूँ या फिर फ्रूट्स वगैरह का छिलका रहता है जो बच्चों को हम टिफ़िन में देते हैं, उसका छिलका जो भी होता है मैं इसी प्लास्टिक में डाल देती हूँ, एक प्लास्टिक रखती हूँ और डाल देती हूँ। इसकी वजह से किचन जो होता है बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है और किचन का रेक भी साफ़ रहता है। तो
आप इस टिप को जरूर करिएगा। तो ये देखिए चारों तरफ हमने किचन में झाड़ू लगा लिया है, देख सकते हैं आप। अब इसमें हम पोछा लगाएंगे, क्योंकि पोछा जब लगाएंगे तभी हमारा जो किचन है वो बिल्कुल अच्छे से साफ होगा। तो मैंने यहाँ पे एक पोछा ले लिया है, इसे गीला कर लिया है और निचोड़ लिया अच्छे से, और नीचे हम अच्छे से साफ़ सफाई कर लेंगे, यानी कि पोछा लगा लेंगे डब्बों को हटा के। इसमें मैं चावल और आटा रखती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पोछा भी लग चुका है किचन में। हमने यहाँ पे एक जो सूती वाला होता है यानी कि कॉटन वाला बोरी, वो रखा हुआ है। और ये देखिए हमारा जो गैस चूल्हा है वो भी बिल्कुल चमक रहा है और टाइल्स भी चमक रहा है, बहुत इजी तरीके से साफ़ हो जाता है। तो डेली का मेरा यही किचन साफ़ करने का रूटीन होता है, डेली इसी तरीके से मैं अपने दोनों किचन को साफ करती हूँ, मिट्टी का जो चूल्हा है उसको भी, और जो ये घर के अंदर किचन है उसको भी इसी तरीके से साफ़ करती हूँ। तो ये देख सकते हैं बहुत चीज़ों को मैंने ऊपर ही रखा है, रेक पे बहुत कम चीज़ें रखती हूँ मैं। इस तरीके से क्या होता है, किचन साफ़ सुथरा दिखता है और परेशानी भी नहीं होती है। जितना ही ज़्यादा रेक पे सामान रहेगा उतना ही ज़्यादा परेशानी होती है, और साफ़ सफाई करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये देखिए ये बहुत ही अच्छे से क्लीन हो चुका है। तो मिट्टी के चूल्हे को और किचन को दोनों को ही मैं इसी तरीके से क्लीन रखती हूँ, डेली मेरा यही काम है, इसी तरीके से मैं करती हूँ। और डेली तो नहीं डीप क्लीनिंग हो पाती है, लेकिन कभी कभार मैं करती रहती हूँ। लेकिन इस तरीके से अगर थोड़ी थोड़ी डेली साफ़ सफाई की जाए तो किचन बहुत ही अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स, मेरी ये किचन क्लीनिंग की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना कीमती टाइम देने के लिए धन्यवाद।